हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर वाया नोटन स्कूल। तो आज के अपन इस वीडियो में रिएक्ट जेएस के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, एक सर्च बार बनाने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूं अपन आज के इस वीडियो में क्या चीज क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो ये हमारा नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है, ये सर्च बार बना रखा है अपने रिएक्ट जेएस के अंदर। ओके, तो इसमें क्या होने वाला है बेसिकली कि यहाँ पे मैंने सिंपल जो भी हमारे कंट्री नेम होते हैं, जो भी हमारी कंट्रीज होती है ना, उनको सभी को मैप कर रखा है। ओके, अपने इस रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पे मैंने एक सर्च बार यहाँ पे छोटा सा ऐड कर रखा है। इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं कोई भी कीवर्ड यहाँ पे टाइप करता हूँ ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं आई टाइप करता हूँ इंडिया से रिलेटेड, ओके, तो इसमें क्या होने वाला है, जैसे जो भी कंट्री का नेम आई से स्टार्ट होगा ना, वो मेरे पास इस तरीके से मैप हो जाएगा। ओके, और मान लीजिए अगर कोई भी कंट्री, अगर मेरे को कोई भी कंट्री देखनी है जो ए से स्टार्ट हो रही है, जिसका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सिंपल ए टाइप करूंगा, तो जो भी कंट्री ए से स्टार्ट हो रही है वो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से मैप हो जाएंगी। ओके, और इसमें सर्च बार को अगर एम्प्टी रखता हूँ तो जो सभी कंट्री मेरे पास इस तरीके से मैप हो जाएंगी। ओके, तो ये अपन सर्च बार क्रिएट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर फिल्टर और मैप मेथड की हेल्प से। ओके, तो ये वाली चीज आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे आते हो हॉटस्टार वाली वेबसाइट पे आइएगा, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सिंपल न्यूज का सेक्शन सर्च करेंगे। ओके, सर्च बार में आने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल न्यूज सर्च करूंगा, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज से जो भी रिलेटेड चीजें होने वाली है ना, वो मेरे पास इस तरीके से इस वाले सर्च बार में आ जाएंगे। ओके, तो अपन यही चीज क्रिएट करने वाले रिएक्ट जेएस के अंदर। ओके, तो अब बिना देर के करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल बेसिकली ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। ओके, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5,36,000 के साथ। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5,36,000 प्लेसमेंट हो जाता है, तभी आपको करना पड़ता है, मतलब पहले प्लेसमेंट और उसके बाद पेमेंट। ओके, तो बस गाइस, यही था न्यूटन स्कूल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो, जिसमें अपन ये सर्च बार क्रिएट करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के हेल्प से फिल्टर और मैप मेथड का यूज करते हुए। ओके, तो अपन ने आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो भी मैं यहां पे कंट्री नेम यहां पे यूज कर रहा हूं ना, ये मैं सभी अपने एक जेएसएन फॉर्मेट में अपने गिटहब पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आपको ये सभी कंट्री नेम चाहिए तो वो आप मेरे गिटहब को चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने गिटहब पे एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करके कंट्री जेएसएन डेटा करके ये वाली चीज क्रिएट कर रखी है, आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो अब अपन चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर में आते हैं, और सिंपल अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज के लिए कोड करने वाले हैं। ओके, तो ये मैं आज का अपने वीएस कोड एडिटर में, तो मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सिंपल सा एक क्या के जो भी हमारा जेसन डेटा है ना, उसको एक एरे के अंदर यहाँ पे ऐड करके, ओके, और इसको यहाँ पे मैंने सिंपल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रखा है। ओके, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक दूसरी फाइल में इसको यूज कर सकते हैं इस वाले डेटा को। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल app.js फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। तो सबसे पहले जो ये वाला कोड है, इसको यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, और सिंपल यहाँ पे मैं RFC यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल RFC यहाँ पे टाइप करूंगा, तो ये वाला इस तरीके से पास मेरे पूरा फंक्शनल कंपोनेंट का एक बॉलर प्लेट आ जाएगा। ओके, और इसके अंदर अगर अपन, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक सिंपल सा बॉलर प्लेट हो गया, और इसके अंदर यहाँ पे मैं सिंपल डाल देता हूँ हेलो गगन। ओके, और यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ हेलो गगन। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, और वापस से मैंने इस वाली चीज पे आते हैं, तो अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करने वाला हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो गगन आ रहा है। ओके, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि इस तरीके से चीजें आ रही है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, जो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस होती है ना, बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी यहाँ पे मैंने अपनी index.js फाइल में यहाँ पे ऐड कर रखी है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की चीजें ऐड कर रखी है, तब मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। ओके, तो आप भी इसको अपने प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप को ऐड कर सकते हो नॉर्मल स्टाइलिंग के लिए। ओके, वैसे अपन स्टाइलिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब आते हैं हमारी इस जो भी हमारी data.js फाइल है ना, इसके अंदर जो भी डेटा है उसको अपन रेंडर करवाएंगे। ओके, तो लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे मैं app.js फाइल के अंदर आता हूँ, और इस app.js फाइल के अंदर आने के बाद इस वाली चीज को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और इसको इस तरीके से सेट करते हैं। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे मैं अपना डिव कंटेनर ऐड करने वाला हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लास नेम मेरे को ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले, तो यहाँ पे मैं क्लास नेम ऐड करता हूँ कंटेनर, जो हमारी बूटस्ट्रैप की बाय डिफॉल्ट क्लास होती है वो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, एक रो ऐड करने वाला हूँ, और रो के अंदर यहाँ पे मैं कॉलम ऐड करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं कॉल 6 दूं या 4 दूं, इसको यहाँ सिंपल मैं 4 रखता हूँ अभी के लिए। ओके, 4 इस तरीके से यहाँ पे मेरी क्लास ऐड हो गई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी मेरा कंटेनर है इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आए ना, यहाँ पे रो के अंदर डाल देते हैं, जो भी मेरा टेक्स्ट आए उसको यहाँ पे मैं सेंटर में कर दूंगा। ओके, ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। ओके, अभी रिएक्ट स्पेसिफिक अभी कुछ भी चीज नहीं देख रहे हैं, रिएक्ट के बारे में अभी देखेंगे। तब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल जो भी हमारा डेटा होने वाला है, ये वाला डेटा, इसको अपन यहाँ पे रेंडर करवाएंगे। ओके, तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से रेंडर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल कुछ लोरेम वर्ड ऐड कर देता हूँ, लोरेम 25 वर्ड ऐड करता हूँ, और अब मैं इस पेज को सेव करता हूँ। ओके, इसको सेव करने के बाद अब मैं यहाँ पे आते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है वो इजीली यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। ओके, अब अपना काम आता है कि जो भी हमारा ये डेटा है ना, इसको यहाँ पे रेंडर करवाएं। सबसे पहले तो इन सभी को मैप करवाएं, उसके बाद अपन उसको फिल्टर आउट कर रहे होंगे। ओके, तो अब चलते हैं हमारे app.js फाइल में, और उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल इस वाली चीज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सबसे पहले तो जो हमारी data.js फाइल है ना, उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा।
तो मैं सिंपल उसको इंपोर्ट करने वाला हूँ, इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, ओके, और इस पर हमें पाथ ऐड करना होगा, ठीक है। तो ये हमारा पाथ है, ओके, इसको यहाँ पे मैं सेव करता हूँ जी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी हमारा डेटा है ना, इसके अंदर जो भी डेटा है उसको मैं मैप कर रहा हूँ, ओके, मैप मेथड की हेल्प से मैं इसको आइट्रेट करके हर एक एलिमेंट के लिए वो मैं चीज कर सकता हूँ, ओके। तो वो मैं कैसे करूंगा, सिंपल यहाँ पे मैं इस तरीके से ये चीज यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे मैप मेथड ऐड करने वाला हूँ जो मेरे डेटा पे, ओके। अब आपको पता ही है हमारा इस तरीके से कॉल पे फंक्शन ले रहा होता है, तो मैं सिंपल करूंगा वैल्यूज, ओके। अगर आपको मैप मेथड के बारे में नहीं पता तो मैं आई बटन में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है इस पे, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो ये क्या करेगा, हर एक एरे का एलिमेंट है उसको आइट्रेट कर रहा होगा, ओके। तो मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से ऐड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं सिंपल इसको रिटर्न भी करवा रहा हूँ, ओके, रिटर्न। और इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल H2 टैग के अंदर, नहीं, इसको H6 टैग के अंदर इसको अपन ऐड कर देंगे। H6 के अंदर अपन क्या करेंगे, वैल्यूज, ओके। लेकिन ये हमारे जावास्क्रिप्ट का पार्ट है तो इसको भी इस तरीके से करना होगा। तो वैल्यूज पार्ट को यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वैल्यू इस तरीके से ऐड हो गया, लेकिन वैल्यू के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा होगा, वैल्यू के अंदर अपना एक ये वाला एक ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन हमारे काम की चीज कौन सी है, वैल्यू के अंदर क्या होगा, ये वाले एक एरे ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, और इसके अंदर जो हमारा डॉट नेम करके जो अपन चीजें निकालेंगे वो हमारे काम की होने वाली है, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूंगा, डॉट नेम वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ओके। अब मैं यहाँ पे इस पेज को सेव करता हूँ, वापस से अपन इस वाले अपनी चीज पे आते हैं, ओके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी यहाँ पे मेरे डेटा डॉट इस फाइल के अंदर जो भी डेटा था ना, वो यहाँ पे मेरे इस तरीके से मैप हो चुका है, ओके। अब तो मेरा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक तो सर्च बार ऐड करने वाला हूँ, और कोई भी यूजर उसमें कोई भी कुछ भी टाइप करे ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मेरे पास चीजें हो, ओके। वो किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनपुट टैग यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो इस कॉलम के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल एक इनपुट टैग ऐड कर देता हूँ, ओके। इनपुट टैग मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और इनपुट टैग ऐड करने के बाद इसका क्लास नेम सेट करते हैं, ओके। तो क्लास नेम का यहाँ पे मैं फॉर्म कंट्रोल ऐड कर देता हूँ, फॉर्म कंट्रोल, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, और वापस यहाँ पे चलते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटा सा मैं सर्च बार आ चुका है, ओके। अब अपन एकदम सही लग रहा है, तो मैं इसको कुछ मार्जिन भी सेट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं कंटेनर को वाई एक्सिस में इसको मार्जिन सेट कर देता हूँ MY3, ओके। और जो हमारा इस वाली चीज़ पे अपन मार्जिन ऐड कर देते हैं MY2 करके, इसको मार्जिन सेट कर देते हैं, ओके। अब मैं आप पेज को सेव करता हूँ, वापस से अपन इस वाली चीज़ पे चलते हैं। तो हाँ, अब यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत ठीक लगने लगा है, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल हमें स्टेट वेरिएबल्स यूज करने होंगे, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट एरिया में कुछ डेटा को मैनेज करने के लिए अपन सिंपल स्टेट यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करने वाला हूँ, ओके। अगर आपको यूज स्टेट हुक के बारे में नहीं पता है तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ओके। आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ जाएगा, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यूज स्टेट को इंक्लूड कर लेता हूँ, यूज स्टेट, और उसके लिए यहाँ पे मैं इनके स्टेट वेरिएबल भी यहाँ पे मेरे को डिफाइन करने होगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपन लेने वाले टेक्स्ट, ओके, और उसके बाद जो भी हमारा सेट टेक्स्ट करेंगे, ओके, सेट टेक्स्ट, और उसके बाद इस तरीके से मैं यूज स्टेट हुक को यहाँ पे यूज कर लूंगा, ओके। यूज स्टेट हुक, और जो इसके इनिशियल वैल्यू अपने स्टेट रखने वाले, वो मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग यहाँ पे रखने वाला हूँ, ओके। और जब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो भी हमारा इनपुट एरिया है ना, इनपुट एरिया के अंदर जो भी वैल्यूज होने वाली है ना, वैल्यूज के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल क्या ऐड कर दूंगा, सिंपल हमारा टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, ओके। अब मैं यहाँ पेज को सेव करता हूँ, और वापस से हमारे इस वाली चीज पे आते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरा पूरा कंप्लीट बन चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, ओके। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को क्या यूज करना होगा, ऑन चेंज हैंडलर यहाँ पे यूज करना होगा, ओके। तो सब जल्दी से यहाँ पे मैं एक ऑन चेंज हैंडलर भी बना लेता हूँ, ऑन चेंज हैंडलर, ओके। और ऑन चेंज हैंडलर बनाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल चेंज हैंडलर बनाने वाला हूँ, चेंज हैंडलर, ओके। और इसको यहाँ पे अभी ऊपर डिफाइंड इसको करना होगा, और तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। और इसको डिफाइन करने के लिए यहाँ पे सिंपल कॉन्स्ट और इसका नेम देना होगा, और सिंपल यहाँ पे मैं एरो फंक्शन की हेल्प से इसको डिफाइन करने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे इस पे इनपुट एरिया पे चेंज करने की कोशिश करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, इवेंट ऑब्जेक्ट आएगा। इस पे अपन ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें किस तरीके से क्या चीज़ आती है, तो आप आई बटन में उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, इसके बारे में अपन इनपुट एरिया के अंदर किस तरीके से अपन डेटा को मैनेज कर सकते हैं, वो वाली चीज़ है, ओके। तो यहाँ पे पास हमारे पास आने वाला इवेंट ऑब्जेक्ट, ओके। और इवेंट ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या होगा, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की हेल्प से हम इसका जो भी इनपुट एरिया के अंदर वैल्यू है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, सेट टेक्स्ट, और सेट टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, ए डॉट टारगेट, ओके, टारगेट डॉट वैल्यू। तो इस तरीके से मेरे पे मैं इनपुट एरिया के अंदर चेंज कर पाऊंगा, ओके। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव किया है, और वापस से यहाँ पे आता हूँ, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं कुछ भी टाइप कर पाऊँ, तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ओके। तो ये मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ही मैं कोई भी कीवर्ड यहाँ पे टाइप करूँ ना, मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं इंडिया टाइप कर रहा हूँ, तो आई यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग ही मेरे पास यहाँ पे चीज़ें आ जानी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को क्या यूज करना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्या यूज करना होगा, ओके। तो सबसे पहले आप अपने वीएस कोड एडिटर में आते हैं, और वीएस कोड एडिटर में आने के बाद यहाँ पे आप देखो अपन क्या रेंडर करवा रहे हैं, अपन यहाँ पे मैप मेथड यूज कर रहे हैं, और मैप मेथड की हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारा डेटा है, मतलब हमारे पास ये एरे है ना, ये सभी रेंडर हो रहे हैं।
तो अपन ऐप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अपन इतना ही एरे इसको पास कर रहे होंगे जितना उसके कीवर्ड में आ रहा है, ठीक है। अपन जो भी सर्च बार में डाल रहे हैं, मतलब अपन आई डाल रहे हैं, तो अपन वही चीज वहां पर उस एरे को रेंडर करवाएंगे जिसका कीवर्ड, जो भी उसका नेम है, जो भी कंट्री का नेम है, आई से स्टार्ट हो रहा हो। ओके, तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, उस तो उसके लिए अपन यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे फिल्टर मेथड। ओके, तो मैथ मेथड की हेल्प पहले अपन क्या यहाँ पे यूज करने वाले हैं, उसका अपन यूज करने वाले फिल्टर मेथड के बारे में अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फिल्टर मेथड। ओके, तो इसके अंदर भी हमारा सेम मैप मेथड की हेल्प की तरह ही होता है, हमारे कंडीशंस होती है उसके बेसिस पे हमारी चीजें रेंडर करके देता है। ओके, एक नया एरिया हमें यहाँ पे दे देता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिल्टर मेथड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और फिल्टर मेथड के भी हमारे क्या होने वाला है, एक कॉल बैक यहाँ पे होने वाला है। तो सिंपल यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल इस तरीके से ऐड करने वाला हूँ। और अब मैं यहाँ पे सिंपल अभी के लिए इसमें रिटर्न कर रहा हूँ जो भी हमारे वैल्यू ले रहे हैं ना, जो कंप्लीट वैल्यू को हम इसमें रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, नहीं इसको यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यू वैल्यू रखता हूँ, ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं इसको अभी भी वैल्यू रखता हूँ, और अब मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, वापस से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो कि मैं सभी सभी चीज़ें रेंडर हो रही है। ओके, लेकिन मेरे को फिल्टर आउट करना होगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल अपन यहाँ पे आते हैं, तो अपन यहाँ पे एक दो कंडीशन यूज करने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल इफ अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट जो है ना, अगर एम्प्टी है, जो मेरा टेक्स्ट है ना, ये वाली चीज मैं टाइप कर रहा हूँ, अगर वो एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल रिटर्न कर दूंगा, मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगा, सिंपल इस तरीके से रिटर्न रिटर्न जो भी वैल्यू है वो मैं इस तरीके से रिटर्न कर दूंगा। ओके, तो ये मेरी चीजें हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं जो भी उसके अंदर टाइप कर रहा हूँ ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरी चीजें फिल्टर आउट हो जाएगी। वो अब हम देखते हैं कैसे फिल्टर आउट होगी। तो अगर यहाँ पे अपन इसको सेव करता हूँ, वापस से यहाँ पे चलता हूँ ना, तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसमें कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ तो सभी चीजें रेंडर हो रही हैं। ओके, लेकिन अपन कुछ टाइप करें उसके करस्पॉन्डिंग हमारी चीजें रेंडर हों, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल एक कंडीशन और यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। ओके, एल्स इफ का यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या ऐड करूंगा, जो भी हमारा वैल्यू है, ठीक है, तो वो एक हमारा एरे आ गया, एरे का एक एलिमेंट, एरे के एलिमेंट के अंदर हमारे सबसे पहले नेम होने वाला है ना, तो इसको यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको तो सबसे पहले एक लोअर केस में यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। टू लोअर केस यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और अब यहाँ पे मेरे पास एक कंप्लीट स्ट्रिंग हो गई। ओके, अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे दो चीजें यूज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इंक्लूड के बारे में देखते हैं। ओके, तो अगर आपको इंक्लूड के बारे में और अच्छे तरीके से देखना है, तो आप यहाँ पे जो W3 स्कूल है यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो इंक्लूड में क्या होने वाला है, यहाँ पे अपन एक स्ट्रिंग होगी, और स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे कुछ पैरामीटर के फॉर्म में यहाँ पे पास कर रहे होंगे। अगर ओके, तो अगर वो चीज़ें, अगर हमारी स्ट्रिंग जो हमारी पहले वाली स्ट्रिंग है, अगर उसमें अवेलेबल होगी, तो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, सिंपल सा। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सिंपल यहाँ पे क्या दे रखा है, एक वर्ड वर्ड पास कर रखा है, अगर इसमें है तो यहाँ पे चीजें हमारी ट्रू रिटर्न कर देता है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल इंक्लूड को यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल इंक्लूड करता हूँ। ओके, और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डॉट इंक्लूड्स। ओके, और इसके अंदर अपन कौन सी चीज होने वाली है, जो अपन इनपुट एरिया में पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल टेक्स्ट, और जो भी मैं टेक्स्ट के अंदर पास कर रहा हूँ ना, उसको यहाँ पे मैं टू लोअर केस करूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, लेकिन हाँ, अगर ये वाली चीज़ होता है, अपन कुछ रिटर्न भी तो करवाना है ना, तो रिटर्न करवाने के लिए यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, रिटर्न रिटर्न, और यहाँ से अपन वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ओके, सिंपल। अब मैं यहाँ पेज को सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे आता हूँ अपने इस वाली चीज पे। ओके, तो अपन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी कीवर्ड सर्च करता हूँ, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं इंडिया सर्च कर रहा हूँ, इंडिया, तो अब आप यहाँ देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आई एन टाइप कर रहा हूँ ना, तो आई एन क्या होगा, अगर किस जिस भी कंट्री के नेम में आई एन अवेलेबल होने वाला है, तो वो मेरे यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी यहाँ पे रेंडर हुआ ना, सभी के कीवर्ड में क्या होने वाला है, आई एन अवेलेबल होने वाला है। ओके, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे को कंप्लीट इंडिया करना है, तो जो भी यहाँ पे आई एन डी, जो भी मेरे कंट्री के नेम आई एन डी होने वाला है, वो मेरे यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा, कि जो भी हमारे सिंपल कीवर्ड सर्च करेंगे, वो हमारा अगर इसमें अवेलेबल होगा, वो इस तरीके से रेंडर हो जाएगा। ओके, लेकिन अपन ये चीज नहीं करने वाले, अपन क्या करने वाले हैं, अगर यहाँ पे मैं ए टाइप करूं, तो ए से जो भी चीजें कंट्री नेम है ना, वो स्टार्ट होते हैं, वो यहाँ पे रेंडर हो। ओके, तो उसके लिए अपन यहाँ पे एक हमारे जावास्क्रिप्ट के पास एक मेथड होता है, वो अपन यहाँ यूज करने वाले हैं इंक्लूड की जगह। ओके, तो इंक्लूड की जगह अपन, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा मेथड है। तो यहाँ पे आप W3 स्कूल के यहाँ पे रेफरेंस के तौर पर इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे एक दे रखा है कि स्टार्ट विद करके, ओके, तो एक स्टार्ट विद करके, हाँ ये वाली चीजें हैं। इसमें क्या होगा कि अगर आपके कोई भी स्ट्रिंग है, अगर उसका कोई कीवर्ड आप सर्च कर रहे हो, अगर वो उससे स्टार्ट होता है ना, तब आपको ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होता है तो आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल स्टार्ट विद को यहाँ से कॉपी करता हूँ, स्टार्ट विद को, और यहाँ पे अपन इंक्लूड की जगह पेस्ट कर देंगे। ओके, तो इंक्लूड की जगह यहाँ पे मैं इंक्लूड को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे रिमूव करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट विद ऐड करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। ओके, और वापस से हमारे इस वाली चीज पे आते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे इंडिया के लिए सर्च कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आई टाइप कर रहा हूँ। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी कंट्री का नेम आई से स्टार्ट होगा ना, वही यहाँ पे मेरे पास रेंडर हो रहा होगा। ओके,
और फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ए से देखें तो अपन ए नेम से जो भी कंट्री नेम होगा वो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा होगा। ओके, तो इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अपन सिंपल क्या किया है, एक सिंपल रिएक्ट में यूज स्टेट हुक यूज किए हैं और हमारे जावास्क्रिप्ट के जो मेथड्स होते हैं मैप और फिल्टर इन्हीं को यूज किया है। ओके, आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है मैप और फिल्टर मेथड, तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपन यहाँ पे क्या किया, मैप मेथड की हेल्प से इसको रेंडर करवा रहे हैं ना। तो सबसे पहले अपन मैप मेथड में क्या आ रहा था, जो भी एरे आ रहा था वो कंप्लीट एरे आ रहा था। ओके, लेकिन अब यहाँ पे मैं कुछ कंडीशंस ऐड कर रहा हूँ, अपन इसको कंप्लीट एरे नहीं दे रहा हूँ मैप मेथड को, अपन मैं वही चीज़ ऐड कर पा रहा हूँ जो मेरी चीज़ें काम की होने वाली है। ओके, तो मैं सिंपल फिल्टर कर लिया हूँ, ये फिल्टर आउट, फिल्टर की हेल्प से जो भी एरे होता है उसको मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ कुछ कंडीशन दे रहे हुई उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या किया हूँ कि जो अगर मेरा जो भी टेक्स्ट एरिया है अगर वो एम्प्टी है ना, तो यहाँ पे सिंपल जो भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ वो कंप्लीट की कंप्लीट रिटर्न कर दो। ओके, अगर दूसरी कंडीशन इसमें मैं यहाँ पे क्या ऐड किया हूँ, टू वैल्यू डॉट नेम टू लोअर केस, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया, वो मेरे पास एक स्ट्रिंग हो गई। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट विद टेक्स्ट टू लोअर केस, तो स्टार्ट इसमें मैं कोई भी स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग आ रही है, यहाँ पे मैं जो भी टाइप कर पाऊँ वो स्ट्रिंग आ रही है, वो स्ट्रिंग इससे यहाँ पे कंपेयर होने वाली है, मतलब इसमें यहाँ पे इस स्ट्रिंग से यहाँ पे चेक होने वाली है। अगर ये चीज़ें ट्रू हो जाएगी तो अगर चीज़ें अवेलेबल होगी वो स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू आ जाएगा और नहीं हमें फॉल्स आ जाएगा, तो ये वाली चीज़ें चलेगी ही नहीं। ओके, तो इसको बताने में मेरा इसलिए जरूरत था क्योंकि अपन आने वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, सिंपल एक इमेज सर्च एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें अपन इमेज का नेम सर्च करेंगे। ओके, तो इमेज का नेम सर्च करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास इमेजेस आ रही होंगी। ओके, और वो जो इमेजेस होंगी अपन एपीआई से लेके आ रहे होंगे। ओके, तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, और हाँ, आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने वैसे ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने क्या देखा था, एक इमेज सर्च एप्लीकेशन के बारे में। ओके, और इससे पहले अपन एक लाइव वेदर एप्लीकेशन क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ पे और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट की यहाँ पे मैंने गाइड बना रखी। ओके, तो अगर आपको ये हमारा कंटेंट अगर आपको हेल्पफुल लगता है, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे सारी चीजें कवर हो जाती है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाए। ओके, तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।